इंडियन आइडल के इस वीकेंड का वोटिंग रिजल्ट सामने आ चुका है दोस्तों, और ये काफी शॉक कर देने वाला वोटिंग रिजल्ट है, जिसमें कि आप ये सारा कुछ समझ पाएंगे कि टॉप 7 कंटेस्टेंट के रनिंग पोजीशन क्या बताए जा रहे हैं पिछले वीकेंड के वोटिंग रिजल्ट के बाद। जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि पिछले वीकेंड में बहुत ही धमाकेदार तरीके से होली स्पेशल एपिसोड मनाया गया, तो वहीं दूसरे दिन में अरुणा जी और बिंदु स्पेशल एपिसोड मनाया गया था, जिस दौरान कि हमारे सभी कंटेस्टेंट ने बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस किए थे और आए हुए मेहमान कलाकारों को अपने गायकी से दीवाना बनाया था, फैन बनाया था, और साथ ही साथ वोटिंग की अपील भी की गई थी। तो वोटिंग रिजल्ट सामने आ चुके हैं दोस्तों, तो इस लिस्ट में जो सबसे निचले पायदान पर है वह है शिवम सिंह। छठे नंबर की बात की जाए दोस्तों तो सोनाक्षी कर का नाम इस लिस्ट में आता है। पांचवें नंबर पर अगर मैं बताऊं तो देवोश्मिता रॉय का पोजीशन बताया जा रहा है दोस्तों। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो विदिता चक्रवर्ती इस पोजीशन पर आई हैं। तीसरे स्थान पर अगर मैं बात करूं तो तीसरा स्थान दोस्तों संजुति दास ने पाया है। जिस तरह का बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले वीकेंड में दिखाया था, जिस वजह से उन्हें जनता से बहुत ही जबरदस्त वोट मिल रहे हैं और वह टॉप 3 पोजीशन में आ चुकी हैं। दूसरे स्थान की बात की जाए तो चिराग कोतवाल ने यह स्थान हासिल किया है दोस्तों। और टॉप की बात की जाए तो नो डाउट ऋषि सिंह, जिस तरह का लगातार उन्हें जनता से प्यार मिल रहा है और उस वजह से वह टॉप लिस्ट में बने हुए हैं। तो बॉटम 2 कंटेस्टेंट की बात की जाए तो शिवम सिंह और सोनाक्षी कर, यह दोनों आते हैं दोस्तों। तो एलिमिनेशन की तलवार इन्हीं दोनों के ऊपर में सबसे ज्यादा लटक रही है, जो कि आने वाले वीकेंड में इन दोनों में से किसी एक का एलिमिनेशन हो सकता है। और टॉप 3 की बात की जाए तो ऋषि सिंह, चिराग कोतवाल और संजुति, यह तीनों ने अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से यह स्थान हासिल की है। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया था दोस्तों, और आने वाले एपिसोड्स के दौरान में सोनाक्षी कर और शिवम सिंह में से वे कौन से कंटेस्टेंट हो सकते हैं जिन्हें की इंडियन आइडल छोड़ के जाना पड़ सकता है। अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इंडियन आइडल 13 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।